यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और आप बहुत कुछ आजकल देख रहे होंगे चंद्रयान 3 के बारे में। तो आज हम थोड़ा सा रिव्यू उसका लेके आए हैं जो कि हमारे बेसिकली जो एग्ज़ाम्स परस्पेक्टिव से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, और वो चीज़ें जो शायद थोड़ा सा हमारा और नॉलेज इन्हांस करें चंद्रयान 3 के बारे में। और कहते हैं ना जो दूसरों से नहीं हो पाया वो इसरो से होता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे हम, थोड़ा बहुत इसरो के जो टीम मेंबर्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करते हैं कि चंद्रयान 3 के बारे में हम, या इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ चंद्रयान 3 इज़, ठीक है। आपको पता ही है कि चंद्रयान 1 था भारत का, जिसने ये गेस किया था, अनुमान लगाया था, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब एक अनुमान लगाया था कि मून में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, मतलब पानी हो सकता है, ये अनुमान लगाया था, जो कि कहीं हद तक सच भी है और आगे पता चलेगा कि है कि नहीं। इसके बाद आपको पता ही है चंद्रयान 2 भारत ने 2 साल पहले लॉन्च किया था, जो कि अनलकली वो क्रैश हो गया था, सफल नहीं हुआ। इसको चंद्रयान 1 को सफल घोषित किया गया था, कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रयान 3 है क्या, छोटा मोटा। वैसे इतनी लेट वीडियो ये बन रहा है, आपको ऑलरेडी पता हो चुका होगा कि चंद्रयान 3 है क्या, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक एक्चुअली 10-15 सेकंड का ग्लिम्प्स दूंगा। चलिए, इसके बाद हम जानेंगे कि जितने भी साइंटिस्ट थे उनकी टीम में, उनके बारे में, क्योंकि भाई चंद्रयान 3 तो चला गया बट उसके पीछे कितने और लोग थे जिनका इम्पोर्टेंट रोल था। हालांकि 350 के आसपास पूरे साइंटिस्ट थे, पूरी टीम थी उनकी, उन सबका नाम तो यहाँ पे मेंशन कर पाना इतना संभव नहीं है, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेहरे थे या बोल सकते हैं कि जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था उनके बारे में आपको बताएं। थोड़ा सा यूनिक तरीके से हम आपके साथ ग्लिम्स भी शेयर करेंगे पास्ट की जो चंद्रयान की हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे कि चंद्रयान में टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, वो क्या जानेंगे हम बाद में बात करेंगे। साउथ पोल में ही क्यों भेजा है इंडिया ने, इसके बारे में हम जानेंगे। ये सबसे बड़ा मतलब एक क्यूरियोसिटी वाला सवाल हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे। बाद में हम फीचर्स जानेंगे और फाइंडिंग्स जानेंगे कि आखिर ये जो चंद्रयान 3 है वो वहाँ पर करेगा क्या जाके, ठीक है। तो चलिए, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना ये जो आज का वीडियो है या लेक्चर है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे हम थोड़ा ग्लिम्स ऑफ पास्ट जो हमारा इसरो का रहा है वो देख लेते हैं। तो आप देखिए 1960 से, हालांकि मैंने भी ये फ़ोटोज़ जो हैं वो कहीं से चुराई हैं कह सकते हैं, तो पूरा क्रेडिट उस संस्था को जाता है जहाँ से मैंने ली है, ब्रिट पता नहीं एक्चुअली नाम शायद कट गया है। तो मैं ये बता दूं कि हम ये यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पास्ट कैसा रहा है या इसरो का पास्ट कैसा रहा है, बिल्कुल नीचे से कैसे उनका ग्राफ ऐसे बन के और आज चांद तक पहुँचा है। हालांकि पहुँच तो हम क्या कहते हैं मार्स मतलब मंगल पे भी चुके हैं, बट चांद पे पहुँचने की ख्वाहिशें सबकी होती हैं। और मैंने उस दिन लगाया था, जिस दिन कोट भी या बोल सकते हैं कि इमेज आपके साथ शेयर की थी यूट्यूब चैनल पर ही, कि धरती माँ ने आज रक्षाबंधन के रूप में चंदा मामा को राखी भेजी है थ्रू अपने ये जो चंद्रयान 3। तो एक कॉमिक सेंस में बहुत बड़ी बात थी फॉर मी, वो बड़ी बात मुझे लगी। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की। तो मुद्दा ये था कि इसरो ने अपना पास्ट कैसा देखा है। तो 1960 में इस तरीके से ये हमारे APJ अब्दुल कलाम है और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट जो रॉकेट साइंटिस्ट थे आर वर्धमन, ये इनका नाम लिखा हुआ, इन्होंने काफ़ी मेहनत की। फिर इसके बाद 1963 में देखिए कैसे बाइसाइकिल से बोल सकते हैं 2 पहिए साइकिल से हमारे रॉकेट लेके जाया करते थे। फिर कभी जब ज़्यादा बड़े बड़े लोड होने लगे तो 1981 में हम बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी का भी यूज किए हमारे साइंटिस्ट ने। कहने का मतलब ये है कि उस समय जो हमारा देश हुआ था वो तत्कालीन आज़ाद हुआ था, हमें फ्रीडम मिली थी बहुत सालों बाद, तो जो फिनेंशियल कंडीशन थी हमारे देश की वो इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। और जब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती हैं तो इन चीज़ों में, क्योंकि एट दैट टाइम जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो अराउंड 1960 की बात है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस टाइम बोला गया, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनसे बोला गया कि सर थोड़ा सा फंडिंग इसमें करवाइए। तो नेहरू सर ने कहा था कि भाई अभी देश के लिए सबसे ज़रूरी है कि लोगों को हम रोटी प्रोवाइड करें, ना कि सैटेलाइट या रॉकेट। तो हालांकि आज वो सिनेरियो बदल चुका है और मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, उन्होंने भी उस टाइम जो इम्पोर्टेंट था हमारे देश के लिए, हमारे हित में था, देश के हित में था, वो किया। बट हमारे साइंटिस्ट इतने ज़्यादा बोल सकते हैं कि कर्मबद्ध थे कि उन्होंने इस कंडीशन में देखे आके और भारत को आज चांद तक पहुँचा दिया। इवन अगर हम यहाँ पर देखें तो पूरा हुआ साइकिल से चांद तक का सफ़र ये, हालांकि ये जो फ़ोटोज़ हैं वो मैंने कहीं से ली हैं, यहाँ पर शायद नाम दिख रहा होगा, कट भी गया। तो ये एक छोटा सा पास्ट था ग्लिम्स का, तो हम देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं टीम की।
जो मेंबर्स इस चंद्रयान 3 में बने रहे, क्योंकि टीम का मैंने आपसे पहले ही बताया कि टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट लोग थे, उनका मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। तो सबसे पहले आप फ़ोटो देख रहे होंगे, जी हाँ, एस सोमनाथ मैंने आपको देखने के लिए, क्योंकि कभी कभी मेरा आपको पता ही है फिलॉसफी क्या रहती है पढ़ाने की, कि थोड़ा सा अगर हम विजुलाइज़ करते हैं, किसी की फ़ोटो देख लेते हैं, तो हमें वो इंसान ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो सिमिलरली उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी दिए हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया भी है। आपको पता ही है सोमनाथ चेयरमैन है इसरो के, एंड सब यही बड़ी बात है कि यही ब्रेन है बिहाइंड दी, मतलब वन ऑफ दी ब्रेन, जो कि इस तरीके से एम्बिशियस मून मिशंस जो हैं, और अभी तो आपको पता है आदित्य L1 जो कि हमारे किसके लिए हो रहा है, सन सूरज के लिए हो रहा है, सूरज की खोज करेंगे जाके, मतलब सूरज की खोज क्या, सूरज में कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो इतना क्यों गर्म है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आदित्य L1। तो ये भी इसरो का ही है, एंड यही सोमनाथ जी जो हैं, यही इसको भी कहीं ना कहीं अपना ब्रेन दिया हुआ है और अपना साथ दिया है, सपोर्ट दिया है टीम को। तो एस सोमनाथ जी के बारे में तो आप समझ गए होंगे। चलिए बात नेक्स्ट कर लेते हैं, पी वीरा मुथुवेल, ठीक है, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे चंद्रयान 3 के, ठीक है, यहाँ पे सी का मतलब चंद्रयान 3 है, ये हैं उसकी उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसके बाद बात कर लेते हैं, ये मैन ऑन मिशन एस मोहना कुमार, मोहन कुमार है, मोहना कुमार साउथ में ये जोड़ देते हैं, एस मोहन कुमार ये मिशन डायरेक्टर थे चंद्रयान 3 के, ये हैं वो शख्स, ठीक है। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो देखा है और यहाँ तक जहाँ तक मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो आप बस छोटा सा मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं भी आता है तो फिर मैं देखूँगा और इस चीज़ पे भी, और जो एग्जैक्ट वर्डिंग होती है उस पे मैं आपके साथ फिर से आऊँगा और फिर से आपके साथ कुछ डिस्कस करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन डायरेक्टर में अंतर क्या है, ठीक है, आपको डिफरेंस बताना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो कि हमारे पी वीरा मुथुवेल जी हैं, और जो कि मिशन डायरेक्टर थे वो हैं एस मोहना कुमार, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में बेसिकली अंतर क्या है, ये आपको बताना है, डिफरेंस बताना है। तो प्लीज़ एक बार इनलाइटन कीजिएगा सभी को, आप लोगों से बस ये गुजारिश है कि प्लीज़ फाइंड आउट कीजिएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। बाकी बाद में मैं आपके साथ आऊँगा और आपके साथ डिस्कस करूँगा कि बेसिकली अंतर है क्या, ज़्यादा अंतर नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ों को लेकर अंतर है, वो आपके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं पी माधुरी, ये एकमात्र ऐसी वोमेन बोल सकते हैं वीमन थी जिन्होंने इस जो चंद्रयान 3 में पार्टिसिपेट किया, कहा जाता है जो चंद्रयान 2 था उसमें मोस्टली वुमेन थी, ठीक है, वीमेन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सफल नहीं हो पाया, तो इसमें उस वजह से भी इनको रखा गया था, एकमात्र पी माधुरी जी थी। ये क्या थी, ये श्रीहरिकोटा रॉकेट सॉरी पोर्ट के एकमात्र ऑफिशियल थे, एंड आपने देखा होगा कि जब चंद्रयान लैंड हो रहा था चंद्रयान 3 मून पर, तो एक कमेंट्री हो रही थी पीछे, एंड दैट वॉइस इन जो थी वो इनकी ही थी। तो जो जितने भी मतलब जो कमेंट्री की है, जो कमेंटेटर थे ड्यूरिंग रॉकेट लॉन्चेस, जो भी यही कमेंट्री करती हैं, ठीक है, तो इनकी वो प्यारी सी आवाज़ थी जिन्होंने ये बताया कि नाउ चंद्रयान 3 इज़ लैंडेड ऑन द मून, ठीक है। तो अभी आप आई होप जान गए होंगे पी माधुरी जी क्या है, कौन है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी की, जो कि चंद्रयान 3 और इससे और भी जो हमारे लॉन्चेस होते हैं उनके बारे में, वो हैं एम शंकरन, ठीक है, एम शंकरन ये क्या है, डायरेक्टर हैं UR राव सैटेलाइट सेंटर, ठीक है इसके। चलिए ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये काम क्या करते हैं, मीट ये कौन कौन सी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे एरियाज़ में रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, आपको पता है कि अगर एक यहाँ से कोई भी चीज़ जा रही है, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज़ को आगे करने के लिए। सेकेंडली होता है, ये कम्युनिकेशन हो गया हमारा, सेकेंडली होता है नेविगेशन। अब आजकल हमको पता ही है कि अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम सहारा लेते हैं किसका, कौन सा है वो, गूगल का मैप, गूगल मैप या जो भी है, ठीक है, हम इसका सहारा लेते हैं, दैट इज़ अ नेविगेटर टूल, ठीक है, हमें नेविगेशन प्रोवाइड करता है, हमें बताता है कि हमें कैसे जाना है। सिमिलरली जब कोई या जब इस तरीके के सैटेलाइट्स बाहर जाते हैं, तो जो इंट्रा बोल सकते हैं इंट्रा जो प्लैनेट्स होते हैं उनमें जब इस तरीके की चीज़ें जाती हैं, तो नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनकी सहायता से, ये हैं हमारे एम शंकरन, इन्होंने नेविगेशन, कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग मतलब होता है कि हम यहाँ पर हैं और हमारा सैटेलाइट यहाँ जा रहा है, तो ये क्या है, ये रिमोट ही तो है, तो वहाँ से ये सेंस करके इनकी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएँ, दैट इज़ रिमोट सेंसिंग। और इसी रिमोट सेंसिंग से हम इनको इस अपने सैटेलाइट को और अच्छे से
बोल सकते हैं कि फीचर्ड करा पाएँ उसको, हम यहाँ से जो होते हैं स्टेप्स या ऑर्डर भेज सकें ताकि वो अच्छे से फंक्शन करे, तो दैट इज़ कम्स अंडर रिमोट सेंसिंग। तो एम संकरण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, आप इसके बारे में जान चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हैं एस उन्नी कृष्णन नायर, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ये बोल रहा था कि आप इनको देख के लगता नहीं है, ठीक है ना विनोद, हालांकि ये आप लोग कुछ नेगेटिव सेंस में मत लेना, बट वो ठीक है विनोद में जो थे मूवी के, अगर हम बात करें वो कौन सी वेब सीरीज़ थी, पंचायत 2 आई थिंक ऐसे ही समथिंग, तो उनके जैसे लग रहे हैं, बट बहुत ही महान शख्सियत हैं ये। चलिए, एक्चुअली मैं देख रहा था तो मुझे आके किसी ने बोला कि अरे ये तो ऐसे लग रहे हैं, तो मुझे लगा कि चलो आपके साथ डिस्कस करते हैं इस तरीके का भी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एस उन्नीकरण नायर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरे इंटायर चंद्रयान 3 में। डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, एंड इनका जो मेन काम था इन्होंने ही लीड किया प्रोजेक्ट को, ठीक है। और इन्होंने जो व्हीकल है, व्हीकल मतलब जो रॉकेट होता है, हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो डिफाइन किया, क्योंकि आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे कि लैंडर रोवर जब एक दूसरे से बाहर निकलते हैं तो वो रोवर कैसे रिएक्ट करेगा, लैंडर को उस समय कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि वो अपनी स्पीड कम करे, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन की, जो व्हीकल के कॉन्फ़िगरेशन की उनकी डिज़ाइनिंग की जिम्मेदारी थी वो इन जो हमारे एस उन्नीकृष्ण नायर साहब थे इनके हाथ में थी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स की, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में जो हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं चंद्रयान 3 के। अच्छा, इतना मैंने सब कुछ बता दिया, बट मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि व्हाट इज़ चंद्रयान ये तो प्लीज़, एक्चुअली मैं फ्लो में भूल गया। चंद्रयान बोल सकते हैं कि चंद्रयान भारत का एक मिशन है, आपको पता ही है यार, वही चीज़ बोलने वाला हूँ आप लोगों से जो आपने 1,00,000 बार सुन चुकी होंगी अब तक। तो चंद्रयान एक भारत का मिशन है जो कि भारत का तीसरा है, और ये साउथ जो मून है हमारा उसके साउथ में, ये जो पोर्शन हो जाता है ये उसके साउथ में जाके लैंड करेगा, और इसका मेन पर्पज है वाटर एंड लाइफ ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, इसकी खोज करना। तो अगर कोई चंद्रयान के बारे में बोले तो हमें ये 3-4 चीज़ें याद रखने की, व्हाट इज़ एग्जैक्टली चंद्रयान इज़, ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं इस मुद्दे पर कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स में क्या क्या है। तो टाइप ऑफ रॉकेट एग्जाम से पूछ लेते हैं, तो LMV-3M4, ठीक है, इसका मिला जुला कॉम्बिनेशन था। ज़्यादा डिटेल में जानने की मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि रॉकेट कौन था, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप ऑफ फ्यूल, देखिए अब मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगा टाइप ऑफ फ्यूल क्या होता है। ये 3 स्टेजेस में फ्यूल को कैरी करता है, या बोल सकते हैं कि जो, देखो जब आपको मैं यहाँ से बताऊँ, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारा रॉकेट है, हालांकि बहुत गंदा बनाया, बट मान लीजिए इसमें स्टेजेस होती हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट स्टेज यहाँ तक हो गई, ये हो गई फर्स्ट स्टेज, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हो गई सेकेंड स्टेज, और देन दिस इज लास्ट स्टेज, ठीक है। तो अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज जो होती है दैट इज़ सॉलिड फ्यूल की बनी होती है। सॉलिड फ्यूल मतलब जैसे हमारे यूरेनियम वगैरह हो गए, ये सारे सॉलिड फ्यूल में आते हैं, उससे बना होता है। सेकेंड स्टेज मतलब अब इसके बाद जैसे ही स्टेज का काम हो जाता है ये ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है नीचे। इसके बाद सेकेंड स्टेज आती है जो कि लिक्विड फ्यूल से होती है। लिक्विड फ्यूल में भी बहुत ज़्यादा मतलब जो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं वो सेकेंड उसमें होते हैं। जैसे सेकेंड स्टेज ख़त्म होती है ये भी टूट के गिर जाता है, ताकि उसका होता नहीं है कि भाई जैसे ऊपर जा रहा है तो जो उसके बेकार चीज़ें हैं वो गिर जाएंगी, तो ये और अच्छी स्पीड में जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड स्टेज जो कि इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, और सबसे ज़्यादा जो सफ़र है बोल सकते हैं इस जर्नी का वो थर्ड स्टेज ही ले जाता है, जो कि क्रायोजेनिक इंजन से होता है। हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे क्रायोजेनिक इंजन, आपने वो देखी होगी, एक मूवी आई थी रॉकेटरी, तो उसमें जो साइंटिस्ट थे उनके नाम, उन्होंने ही इस क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया है, और कहा यह भी जाता है कि वही इंजन जो उन्होंने डेवलप किया था उसी का ही एक एडवांस रूप था जो चंद्रयान 3 को लेके गया है। अब आपको कमेंट में ये भी बताना है कि उनका नाम क्या था, ठीक है। चलिए, तो क्रायोजेनिक इंजन होता है मोस्टली, यही फिर लेके जाता है रॉकेट को। एंड वो पावर्ड किससे होता है, क्रायोजेनिक इंजन चलता किससे, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन से, ठीक है। ये बहुत पावरफुल जो हमारे फ्यूल होते हैं वो कहलाते हैं। तो अभी आप आई होप समझ गए होंगे कि 3 स्टेजेस में जाता है, कैसे जाता है, ज़्यादा विस्तार में बताने की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, कॉस्ट की। तो कॉस्ट जो इसकी है वो जो हमारा चंद्रयान 2 था उसका था 9.78 करोड़, बट इसका बहुत सस्ता बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि उससे भी कम
615 करोड़ का इसमें टोटल खर्चा आया और सफलतापूर्वक हम पहुंच चुके हैं। किस में 250 करोड़ तो प्रोपल्सन में, प्रोपल्सन मतलब समझ रहे हो ना आप कि फ्यूल वगैरह में, एंड नेक्स्ट 365 जो लॉन्च एक्सपेंसेस है ना कि व्हीकल यूज हुआ, बहुत सारे मटेरियल यूज हुए और बहुत सारे, क्योंकि नासा के भी बहुत सारे इसमें क्या कहते हैं, बोल सकते हैं कुछ मॉडम्स ऐसे लगे हुए हैं जो वो लोग भी खोज करेंगे जाके अपने रोवर, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे। तो कॉस्ट की अगर बात करें एग्जाम से पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि कितना लगा है और चंद्रयान 2 कितने का था, ये भी आप बात कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि चंद्रयान गया कैसे है, ठीक है। तो देखिए ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये हमारी द अर्थ है, ठीक है, मम्मी जी हैं ये हमारी थोड़ा सा कॉमेडी के सेंस में, एंड ये हमारे चंदा मामा हैं, ठीक है। तो अभी कैसे जाते हैं इस, इनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि पहले ये सैटेलाइट छूटा यहाँ से, एंड ये पहले राउंड करेगा, क्या करेगा ये, इसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेजेक्ट्री को ये एनहांस करते हैं, पहले राउंड में ये ट्रेजेक्ट्री हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर एंड अगेन थ्रस्ट दिया, तो हमारा जो लीनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री है उसको क्रॉस करते हुए वो कहाँ पहुँच गया, लूनर ऑर्बिट में, ठीक है। लूनर ऑर्बिट मतलब चांद, चांद के जो इनका ट्रेजेक्ट्री है या बोल सकते हैं जो इनका एनवायरनमेंट, हालांकि चांद में कोई एनवायरनमेंट नहीं है बट जहाँ तक उनकी ग्रेविटी, चांद का जहाँ एरिया शुरू होता है, बोलते नहीं कि यहाँ से मेरा एरिया शुरू होता है, तो जहाँ से चंद्रमा का एरिया शुरू होता है वहाँ पहुँचता है, एंड जैसे ही वहाँ पहुँचता है अर्थ के एरिया को छोड़ के या बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट को छोड़ के, वो जो हमारा सैटेलाइट होता है स्टार्ट्स रोलिंग अराउंड दैट पर्टिकुलर बोल सकते हैं सैटेलाइट या बोल सकते हैं कि प्लेनेट। तो अब वो चंद्रमा कैसे से जाता रहता है, एंड ये कैसे, पहले बड़ा वाला, फिर छोटा 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 वाला, एंड देन आके वहाँ पे लैंड करता है। तो ये एक बेसिक कैसे करते हैं, कैसे हुआ उसके बारे में बताया। आई होप आपको इस इमेज से बहुत कुछ समझ में आया होगा, वैसे हम तो होप ही कर सकते हैं और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अभी कि समझ में आया कि नहीं। बाकी ये स्पीड का दिया गया कि कहाँ से स्पीड रही, तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, मैं जूम भी कर देता हूँ, एंड इसके बाद अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसमें भी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स कौन कौन से लगे थे। और देखिए एक चीज़ हो रही है कि हम नॉलेज के हिसाब से कि ठीक है आपको एक ओवरऑल छोटी सी नॉलेज हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और 15-20 मिनट की वीडियो में शायद इतना मैं सब कुछ संग्रहित नहीं कर सकता, बट मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से बताऊं और आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दूं कि एग्जैक्टली अगर हमारा यहाँ से चंद्रयान 3 गया है या कोई भी जब हमारा यहाँ से जो बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च होता है तो उसके साथ कैसे रिएक्ट करती है हमारे, चाहे ये रोटेशन वाला हो या उसमें प्रोपल्शन सिस्टम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एक बेसिक जानकारी है। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने उन सारे फैक्ट्स को यहाँ पे रखा हुआ है जो एग्ज़ाम से पूछ सकते हैं, इवन वैसे मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि अच्छे लेवल तक करूँ, बट UPSC में जब अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो माइट भी वहाँ पे भी हेल्प करें, तो प्लीज़ आप उस नज़रिए से भी देखिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग जज करने लगते हैं, वैसे मुझे इतना सब नहीं बोलना चाहिए बट कभी कभी लोग जज करने लगते हैं कि फिलोसफी के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही आपने बता दिया। चलिए वो आप पर है कि आप इस वीडियो को किस हिसाब से लेते हैं। मैंने कोशिश यही की कि आपको एक बेसिक कंसेप्ट आपको बता दूं कि आखिर चंद्रयान 3 था क्या, है क्या, और किस तरीके से सारा जो हमारा इस तरीके का सैटेलाइट सिस्टम है जब छोड़ा जाता है तो कैसे काम करता है। तो चलिए इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के। आपको पता ही है लैंडर जो जिसको हम प्रज्ञान बोलते हैं, रोवर भी है, ठीक है। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल्स भी हैं हमारे, प्रोपल्शन मॉड्यूल हम आपसे बात करेंगे। लॉन्चर, आपको लॉन्चर हमने बता दिया कि ये लॉन्चर था। अभी अगर हम बात करें यहाँ, आप यहाँ देखिएगा कि ये हमारा मेन इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, आफ्टर मतलब ये थर्ड स्टेज का है, ठीक है। थर्ड स्टेज में ये चीज़ बचेगी जब ये जाएगी। अब इसमें क्या है कि ये वाला पोर्शन जो है इतना, दैट इज़ फाइनल पोर्शन हमारा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस पोर्शन को, ये हमारा फाइनल पोर्शन होगा, इसमें ही हमारा लैंडर प्लस रोवर समाहित होगा। बाकी नेक्स्ट जो और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मॉड्यूल्स वगैरह जो हमने आपसे पहले बात की थी कि कुछ नासा की भी लगी हुई हैं, उनको ये करके, तो इस तरीके से ये पूरा हमारा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये रोवर और बन जाता है और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एक समय के बाद ये टूट के गिर जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें रोवर की, तो रोवर इस तरीके से, मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो भी इंसर्ट कर दूंगा, शायद 20-30 सेकेंड का होगा, आप देखेंगे कि यहाँ से कैसे ये निकलेगा, एक मतलब बोल सकते हैं एनिमेटेड वीडियो है,
तो यहाँ से ये अपने घर से जनाब यहाँ से ऐसे निकलेंगे एंड यही हमारा मेन काम करेंगे, ठीक है। यही 14 दिन वन जो लूनार डे होता है, वन लूनार डे जो कि अर्थ के 14 डेज के बराबर होता है, ठीक है, उतने दिन रुकेगा ये। तो ऐसे आएंगे, फिर ये टहलेंगे साहब, और फिर ये खोज करेंगे पानी की, ऑक्सीजन की, और बोल सकते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है, हालांकि आइस की करेंगे। चलिए, तो ये आप समझ गए कि कहाँ से इस तरीके से यहाँ से निकलेंगे इन सारी, ये जो देखिए यहाँ से ऐसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, इनका कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन हुआ होगा। और कॉन्फ़िगरेशन किसने की थी, मैंने आपसे पहले बताया था कि उन्नी कृष्ण साहब ने की थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हैं हमारे रोवर साहब जो कि वहाँ पे टहलेंगे, ठीक है। अब इनके साथ क्या क्या लगा है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो देख लीजिए सोलर पैनल लगा है। सोलर पैनल क्यों लगा है, यहाँ पर ये एनर्जी भी तो चाहिए इन साहब को जाने के लिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी यहीं से मिलेगी सोलर। और ये कोई नॉर्मल सोलर पैनल नहीं होते हैं इनका, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 इंच × 1 इंच का भी अगर है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करेगा। RX TX का मतलब होता है, R मतलब होता है रिसीव, ठीक है, और TX मतलब होता है ट्रांस। यहाँ पर रिसीव ट्रांस एंटीना भी हैं जो कि हमारे यहाँ से सिग्नल, मतलब ज़मीन से सिग्नल ये लेंगे और अर्थ से, सॉरी मून से सिग्नल हमें देंगे, ठीक है। हिंज मतलब होते हैं कब्जे, तो ये हिंज है। तो आपको समझ में आ गया कि रोवर के साथ क्या क्या होगा। मेन इसका काम होगा एंटीनाज के साथ साथ जो नेविगेशन कैमराज हैं, हालांकि पूरा बॉडी ही इसका इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, आई होप आपको थोड़ा सा मैं समझा पाने में कामयाब हो पाया हूँगा। चलिए नेक्स्ट है मिशन के स्पेसिफिकेशन हैं क्या, आखिर क्यों भारत ने 615 करोड़ खर्च करके ये सब किया है, क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखो, एक चीज़ होती है ना, जैसे कुछ लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल इतना अच्छा नहीं चल रहा है, स्टिल यू आर मेकिंग सो मैनी वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस। तो वो मैं बोलता हूँ उनसे सिर्फ एक ही चीज़ कि सुकून होता है ना, मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन, वो दैट इज़ बहुत बड़ी बात होती है। तो इस मिशन में मून में इंडिया पहुंचा है कहीं ना कहीं, तो एक देखो भारत की जो प्रभुसत्ता है स्पेस की, वो होगी कि नहीं भारत, क्योंकि आगे पता ही कि चौथा देश बना है जो कि मून में पहुंचा और फर्स्ट पहुंच है जो कि साउथ पोल में लैंड किया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात तो है ही, तो कहीं ना कहीं एक जो प्रेस्टिजियस इशू है वो तो होता ही है। दूसरी चीज़ ये है कि इससे बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे आने वाले टाइम पे, तो सुकून बड़ी बात है कि नहीं। चलिए, मिशन के स्पेसिफिकेशन है जो क्या है कि हम ये देखेंगे कि एक तो मिशन की लाइफ कितनी है, तो हमने आपसे पहले ही बता दिया कि वन लूनर डे जो कि 14 दिन के बराबर होती है अर्थ के। लैंडिंग साइट साउथ पोल में लैंड हो रहा है। मास, वजन इसका कितना है, तो वजन अगर हम बात करें तो देखिए 3900 kg है, तो कितना ज़्यादा वेट यहाँ से गया है, ठीक है। और आपको ये तो पता ही होगा कि एक होती है स्केप वेलोसिटी, ठीक है, स्केप वेलोसिटी ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतने वेट को इतने स्पीड से ज़्यादा दिया गया है, तब इसने अर्थ की जो ऑर्बिट है उसको छोड़ा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो सोचिएगा कि कितना ज़्यादा पेलोड के साथ साथ कितना ज़्यादा फ्यूल जो होगा वो पावरफुल होगा, ठीक है। तो ये तो थे मिशन के थोड़े से स्पेसिफिकेशन जो कि हमें पता होना चाहिए। एग्ज़ाम्स में ये या चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। वो वीडियो आई थिंक बहुत बड़ा हो रहा है, आप लोग बहुत गुस्सा करोगे, बट कोई ना, चलता है ना। इसके बाद फाइंडिंग्स ऑफ चंद्रयान 3 करेगा क्या, तो चंद्रयान 3 क्या करेगा, एक पेलोड है जिसको बोला जा रहा है मिनी सार, ठीक है। यही हेल्प करेगा, डिटेक्ट करेगा डिपोजिशन ऑफ वाटर आइस, कि वहाँ पर पानी है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो आइस मतलब बर्फ भी एटलीस्ट है तो पानी ही ना, ठीक है। अनदर वर्ड हम कह सकते हैं कि वाटर, डिस्कवरी ऑफ वाटर की खोज करने के लिए हमारा ये चंद्रयान 3 गया हुआ है मून के सरफेस पर। एक चीज़ और है, लाइफ किसकी, ह्यूमंस की, इसके बारे में भी वो सर्च करने गया है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। और एंड आई होप बहुत जल्दी, इवन बहुत जल्दी तो क्या ही, बट हम ये भी जाने कि चंद्रमा पर भी लोग रहने लगे, फिर रक्षाबंधन के टाइम पर सोचो, फिर तो दूर हो जाएंगे मामा जी। चलिए नेक्स्ट है, जो मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि साउथ पोल ही क्यों, वाई साउथ पोल। तो आप अगर इस इमेज से देख रहे होंगे तो ये साउथ पोल है अर्थ, सॉरी मून का। तो कहते हैं कि
सूरज की रोशनी नहीं आती, दैट्स वाई वहाँ यहाँ पे जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो पानी में, सॉरी आइस में तब्दील हो गया है। अब करता कैसे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप देखिएगा समझिएगा। ये मान लीजिए कि हमारी मून है और ये हमारा सन है और ये अर्थ है, ठीक है। ये हमारी अर्थ हो गई, ये मून हो गया, ये सन हो गया। तो ये जो ये वाला, अब अगर हम आप बात करें अर्थ के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो इसका ये वाला पोर्शन, हालांकि ऐसे तो नहीं होगा बट इस तरीके से होगा, ये वाला पड़ेगा नॉर्थ, ये पड़ेगा साउथ। तो यहाँ इंडिया ने यहाँ भेजा है, ठीक है, कहाँ भेजा है, यहाँ, हालांकि मैं बहुत छोटे से समझा रहा हूँ। तो इंडिया ने यहाँ भेजा है। अब ये घूमता कैसे, ये ऐसे घूमता है, ये आप इसको 3D में समझिएगा तो 3D आपको इस तरफ दिखेगा। अगर हम बात करें कि ऐसे तो इस पोर्शन में दिखेगा, इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में। और सन हमारा ये है, ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है, ठीक है। तो ये इस तो यहाँ पे क्या होता है कि सन ऐसे जाता है, ऐसी इसकी रेस जा रही है, यहाँ पे नहीं इसकी रेस पड़ती हैं, दैट्स वाई वहाँ पे ठंडक रहती है और बर्फ़ के उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कंट्राडिक्टरी ये हो जाता है कि जो हमारा रोवर है फिर उस पर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, तो उसका भी अभी वही है कि कहीं ना कहीं सन से उसको थोड़ा बहुत एनर्जी मिलेगी, लेकिन बहुत हाई पावर्ड है इस वजह से उसको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए, तो क्यों साउथ पोल ही, तो देखिए पूरा ये जो, और जैसे ये चांद है ना, तो और चांद पूरा बेकार है, लाइक अरब स्टेट्स बोल सकते हैं, पूरा धूल ही धूल है। यही एक पोर्शन है, साउथ पोर्शन है, जहाँ पर वाटर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस वजह से भाई जहाँ चीज़ है, जो चीज़ उपलब्ध है, हम वहीं सीधे जाएँ, क्यों मगजमारी सब जगह जाके करें। तो इस वजह से साउथ पोल में जा रहे हैं कि हम सीधे पानी की खोज पे जाएंगे, वहीं करेंगे, तो सबसे बड़ी बात ये। दूसरा ये कि भारतीय जो होते हैं ना, उनके अंदर एक चीज़ होती है, हालांकि आप भी भारतीय हो, हम भी भारतीय हैं, अगर ये वीडियोस अगर कोई फॉरनर्स सुन रहे हैं तो उनके लिए बता दूं कि भारतीय जो होते हैं ना, वो दिमाग से थोड़े से टाइट होते हैं, वो ठानते हैं कि जो सब करते हैं वो हम नहीं करते, हम जो करते हैं वो अलग ही होता है, ठीक है। चाहे वो क्रायोजेनिक इंजन का खुद बनाना हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें भारत ने पूरे विश्व को मनवाया है कि हम वही करते हैं जो लोग सोचते हैं कि संभव है, ठीक है। वो मैंने शुरुआत में जो कोट बोली थी, जो दूसरे नहीं कर पाते इसरो करता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि इंटरेस्टेड साइंटिस्ट किस में रहते हैं, क्योंकि यहीं पे वाटर, आइस, हाइड्रोजन के होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि परमानेंटली शैडो, शैडो मतलब छाया रहती है, मैंने से बताया ना, यहाँ पे सन ऐसे घूमता रहता है, तो सन की जो मेन लाइट है वो यहाँ पर नहीं आ पाती। ये भी कहा जाता है कि इसमें जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है ये भी यहाँ पे पाया जा सकता है। तो वही बात है कि भाई जहाँ हमें कोई चीज़ मिलेगा तब वही तो हम हमारा पैसा खर्च करने का मतलब बनता है। तो दिस इज़ वाई साउथ पोल क्यों चुना भारत ने, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। कहीं ना कहीं मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिए हैं कि पहला नेशन बन गया है जो साउथ पोल पर लैंड किया गया है, ठीक है। फोर्थ नेशन है जो कि लैंड मून में पहुंचा है। सबसे पहले 1960 सबसे पहले रशिया ने किया था, हालांकि मैंने गलत वो कर दिया, सबसे पहले 1966 में रशिया ने किया था। उस समय ये USSR था, सोवियत यूनियन था, ठीक है, सोवियत यूनियन था। अभी फिर इसको, फिर उसके बाद में ये टूटा, 90s में आके टूटा ये। इसके बाद USA ने जस्ट इनके बाद बोल दिया कि भई हम भी पहुंच गए, नीले में आर्मस्ट्रांग जो आपने सुना ही होगा, दोनों भाई गए थे। इसके बाद 2013 में चाइना ने भेजा, इंडिया ने भी कोशिश करी, बट स्टिल भारत, आपको पता ही है चंद्रयान 2 में फेलियर उसको हासिल हुई थी, लेकिन अब हम चौथे देश बन गए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा वीडियो, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, बट प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच। और आपको पता ही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बी पॉजिटिव को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।